नमस्ते सभी को। अभी मैं मेघा दीदी को आमंत्रित करता हूँ। मेघा दीदी श्री गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नांदेड़, इस ऑटोनॉमस संस्था में एसोसिएट प्रोफेसर इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पद पर कार्यरत हैं। दीदी ने अपना फर्स्ट यूएच वर्कशॉप मई 2020 में किया था और तब से दीदी यूएच के साथ में जुड़ी है और इन प्रपोजल्स को खुद में देखने का प्रयास कर रही है। तो दीदी ओवर टू यू। थैंक यू भैया। नमस्ते भैया, नमस्ते सभी को। मेरा नाम मेघा वेंकटेश जुनालगड्डा है। बहुत बड़ा नाम है तो नॉर्मली मेघा वेंकटेश ही लगाती हूँ। मैं, जैसा कि अभी भैया ने कहा, श्री गुरु गोविंद सिंह जी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एसोसिएट प्रोफेसर बोल के हूँ। टीचिंग प्रोफेशन में मैं 1995 से हूँ, तो करीब 28 साल मुझे मैंने कंप्लीट कर लिए टीचिंग प्रोफेशन में। बेसिकली मैं टीचिंग प्रोफेशन में इसलिए आई थी कि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, बच्चों के साथ समय गुजारना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए मैंने कभी भी इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू नहीं दिया, वैसे मौका भी नहीं आया क्योंकि मुझे नौकरी बहुत जल्दी लग गई। पहले ही बार जब मैंने कोशिश की तो मुझे जॉब मिल गया था, तो इसलिए मैंने इंडस्ट्री में कोशिश भी नहीं की और मैं इस प्रोफेशन को बहुत एंजॉय करती हूँ। जहाँ तक मेरी फैमिली का सवाल है, मेरी दो बेटियाँ हैं। बड़ी बेटी की शादी हो गई है, वो खुद पीएचडी कर रही है, और छोटी बेटी इंटीरियर डिजाइनर है, तो वो भी अभी जॉब कर रही है। मेरे घर में मैं मेरे पति और मेरे बेटी के अलावा मेरे सास ससुर भी रहते हैं। तो हाँ, मेरे पति खुद प्रोफेसर थे उसी कॉलेज में जहाँ मैं अभी हूँ, और उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके वो अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं। यूएचवी में मैं मई 2020 से 20 में जुड़ी। एक्चुअली पहली बार जब मैंने यूएचवी का कोर्स किया था तो वो इसलिए किया था कि एक पहला मेन रीजन था कि मुझे ऐसे पता चला था कॉलेज में कि हमने इसको करना है। ओके, इट इज कंपलसरी ऐसा। तो मैंने सोचा कि कंपलसरी है, तो क्योंकि तब कोविड का पीरियड चल रहा था, बहुत सारे कोर्सेज मैं ऑलरेडी कर रही थी कोर्सेरा वगैरह के, तो मैंने बोला कि ओ, ये पीरियड मेरे लिए खाली है। मई का लास्ट वीक 22 तारीख के कुछ मैंने किया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं करती हूँ इसको। और कंटेंट्स जब मैंने देखे तो मुझे लगा हाँ, इसको मैंने करना ही चाहिए, तो चलो करके देखते हैं। ये भी सुना था कि काफी स्ट्रिक्ट रहता है एंड आपको बहुत क्या बोलते हैं, ध्यान से अटेंड करना पड़ता है, पोल्स आते हैं एंड ऑल, ऐसा मेरे कलीग्स ने बताया था। तो मैं बोली चलो ठीक है, अच्छा है कि मैं सिंसियरली कर पाऊंगी, इधर उधर नहीं जाऊंगी, ये सोच के मैंने अटेंड किया था। तो जैसे जैसे मैं अटेंड करने लगी, मुझे सर्टिफिकेट भी पहले ही कोर्स में मिल गई थी। मतलब मैंने काफी सिंसियरली अटेंड किया था, 100% तो नहीं कहूंगी लेकिन यस, 90% सेशंस में मैं एक्टिवली सुन रही थी। तो मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई पूरी तरह से, लेकिन मैं सुन रही थी। जब मैंने ये पहला सेशन किया तो मुझे ध्यान में आया कि अरे, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि मैं जब खुद को देख रही थी तो मेरे ये ध्यान में आया कि मैं बहुत इमोशनल व्यक्ति हूँ, मैं बहुत ही ज्यादा इमोशनल होती हूँ। तो इन इन इमोशंस की वजह से ये होता था कि कभी बाहर की जो भी घटनाएं थी वो मुझे बहुत इन्फ्लुएंस जल्दी करती थी। तो किसी ने कुछ डायरेक्टली मुझे बोला भी नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अरे, ये मुझे अदरवाइज इवैल्यूएट कर रहा है तो मुझे बुरा लगता था, या गलत इवैल्यूएट कर रहा है तो बुरा लगता था, कभी कभी गुस्सा भी आ जाता था। तो ये जब मैंने अपने बारे में देखा कि और एक चीज की जब मैं मतलब घर वालों की जहां तक बात है, तो अभी मेरी शादी को करीब 33 33 ईयर्स हुए हैं, तो मैं सबको जानती हूँ। मतलब किसी का भी चेहरा देख के, जैसे मेरी मदर इन लॉ है, मेरे फादर इन लॉ है, इनका चेहरा देख के मैं समझ सकती हूँ कि इनको मेरे बारे में फिलहाल क्या फीलिंग आ रही है। तो अगर मुझे ऐसा लगता था कि उनको मेरे बारे में गलत फीलिंग आ रही है तो मैं डिस्टर्ब होती थी। तो
तो ये सब देख के मैंने सोचा कि नहीं, ये मैंने करना ही है। फिर उसके बाद मैंने और 3 बार यूएचवी के सेशंस अटेंड किए, हर बार मैंने सिंसियरली अटेंड किए। और फिर ये लास्ट वाला यूएचवी सेशन जब मैंने अटेंड किया था जनवरी में, दिसंबर जनवरी में लगातार मैंने 2 सेशंस अटेंड किए। और फिर मुझे पता चला UHV 2 अटेंड करना चाहिए, तो फिर फेब्रुआरी में UHV 2 किया, जिसमें फिर मुझे मैसेज आया कि मॉर्निंग सेशंस आप अटेंड कर सकते हो। तो तब से 30 मार्च से मैं मॉर्निंग सेशंस से जुड़ी हूँ। रेगुलर रहने की कोशिश की है मैंने, कभी कभी जैसे ट्रैवलिंग के वक्त वगैरह मैंने कुछ दिन, 8 से 10 दिन टोटल में मैं नहीं कर पाई हूँ। तो अपने तरफ से मैंने मतलब खुद को सुधारने के लिए, खुद में चेंज लाने के लिए मेरा मुख्य उद्देश्य यही था कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करूं। जहां तक सुबह के सत्र की वजह से अपने आप में स्पष्टता की बात है, तो मुझ में मेरे बारे में काफी स्पष्टता आई है। मतलब दूसरों के बारे में तो मैं मतलब कंसिडर करती ही हूँ दूसरों को, जब भी कुछ करूँ और जब भी कोई भी कार्य मैं करती हूँ, तो पहले मेरे दिल में ये आता है कि मैं दूसरे के, मैं ये जब जो कर रही हूँ इससे दूसरों को कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या ये काम करने से दूसरों के लिए कुछ हेल्पफुल हो सकता है कि नहीं। हर बार ना करूं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे लेक्चर्स लेती हूँ, तो लेक्चर्स में लेते समय बच्चों के लिए, बच्चों को मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दूँ, उनको ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज दूँ, ये मेरा मेन इंटेंशन रहता है। मोस्ट मतलब 99 के 100% टाइम मैं ये देखती हूँ कि मेरा लेक्चर टाइम से शुरू हो और टाइम से खत्म हो। कभी कभी 5-10 मिनट ज्यादा होता है, लेकिन मैं अवॉइड नहीं करना चाहती हूँ कभी भी कि कोई दूसरा काम है तो मैं लेक्चर को अवॉइड करूँ, ये मैं नहीं करती हूँ। क्योंकि मैं मानती हूँ कि मैं एक लेक्चरर होने की वजह से पहला काम मेरा बच्चों को पढ़ाना है। तो जब मैं इन सेशंस की वजह से मुझ में खुद में ये स्पष्टता और बढ़ गई है कि अपने बारे में और दूसरों के बारे में मैं हमेशा सोचते रहूं, सो दैट हम लोग सब अच्छे से रह पाए। इसमें प्रकृति का जहां तक सवाल है, मैं इतनी कोशिश जरूर करती हूँ कि मैं प्रकृति को हानि ना पहुंचाऊं। जब भी ट्रैवल वगैरह करती हूँ तो बॉटल्स फेंकना बाहर या कचरा रास्ते पे डालना, ये मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। डस्टबिन ही देखती हूँ, अगर तब तक डस्टबिन नहीं मिली तो अपने पर्स में रखती हूँ या गाड़ी में रखती हूँ कचरे को, और उसको फेंकती नहीं हूँ। पेड़ लगाना वगैरह जहाँ तक है अपने घर के आसपास ही मैं वो करती हूँ। एक दो बार कॉलेज में किया है, लेकिन वो एज अ फॉर्मेलिटी। मतलब अब लेकिन इन सेशंस की वजह से ये मेरे ध्यान में आ रहा है कि मैंने प्लांटेशन और बाकी चीजों की तरफ भी अपना ध्यान बढ़ाना चाहिए, और वो स्पष्टता मुझ में आई है। जहां तक अस्तित्व है, तो मैं सह अस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में ही बिलीव करती हूँ। ये मुझे कभी भी नहीं लगा कि मैंने खुश रहना चाहिए या सिर्फ मुझे कुछ मिलना चाहिए, ऐसा मेरा नहीं था। हाँ, ये है कि मैंने मतलब बहुत ज्यादा सेल्फिश नहीं हूं, मैं कभी भी नहीं थी, अभी भी नहीं हूं, लेकिन को एग्जिस्टेंस के बारे में और ज्यादा स्पष्टता मुझ में आई है कि को एग्जिस्टेंस मैं स्वयं में शरीर के साथ और बाकी लोगों के साथ, बाकी मानवों के साथ और प्रकृति के साथ भी को एग्जिस्टेंस किस तरह से होना चाहिए, इसमें मुझ में काफी ज्यादा स्पष्टता अभी आई है। मानवीय आचरण की जहां तक बात है, जैसा मैंने अभी कहा कि मैं नॉर्मली सेल्फिशली बिहेव करती ही नहीं हूँ, तो इसलिए मानवीय आचरण की तरफ मतलब दूसरों के साथ मेरा व्यवहार नॉर्मली अच्छा रहा है। मैंने कुछ जैसा मैंने कहा कि मैं इमोशनल हूँ, तो कई बार गुस्सा होती हूँ, तो पहले भी होती थी, अब भी होती हूँ, लेकिन अब इन सेशंस की वजह से
ये फर्क मुझ में आया है कि अगर मैं गुस्सा हो भी गई तो 2-4 मिनट में मैं समझती हूँ कि अरे मैंने गुस्सा नहीं होना चाहिए था, उनकी तरफ से मैं सोचने लगी हूँ कि इसने ऐसा क्यों बोला होगा या इसने ऐसा क्यों किया होगा। तो मेरी मेट्स भी है तो उनके साथ भी अगर मैं गुस्सा होती हूँ तो 2-4 मिनट में मैं उनको भी सॉरी बोलती हूँ कि मेरे से गलती हो गई, मैं शायद तुमने इसलिए ऐसा किया और मैंने गलत समझा। फैमिली वालों के साथ भी कई बार मैं मतलब अगर गुस्सा भी हुई तो भी मैं आजकल उनको इमिजिएटली एक्सप्लेनेशन तो कम से कम देती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों सोचा या मुझे गुस्सा क्यों आया और मैंने ये नहीं करना चाहिए था। तो ये फर्क मुझ में आया है। अभ्यास एक या दो, एक और दो का जहां तक सवाल है, मतलब स्वयं को मैं मतलब स्वयं में चली कल्पनाशीलता को मैं अब देख पा रही हूँ, ये हमेशा चलती रही है लेकिन मैंने कभी इस पे गौर नहीं किया था, कभी इसको ध्यान से देखा नहीं था। तो ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये ऑटोमेटिकली होता था और इसको अब मतलब इसको ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मैं हमेशा सहज भाव और स्वभाव हमेशा खुद को और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को भी मैं आराम से और सुखी देखना चाहती हूँ। तो अब मुझे ये समझ आई है अभ्यास एक को मैं पूरी तरह से नहीं कर पाई हूँ, मैंने सिर्फ कोशिश की है कुछ बार कि मैं अपने में चल रही कल्पनाशीलता को देखूं, क्योंकि कल्पनाशीलता जो है उसको मतलब जब मैं देखती हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि अरे ये एक जगह टिकती नहीं है, कई 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 बार ये ऐसा होता है कि एक से दूसरे विषय पे चली जाती है, दूसरे से तीसरे तीसरे पे चली जाती है। तो इसकी वजह से वो मतलब उन चीजों पे कंसंट्रेट अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश जरूर कर रही हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम कि मैं देखूँ कि क्या भाव चल रहा है। अभी भाव को मैं पूरी तरह से सच में समझ में नहीं मतलब देख नहीं पा रही हूँ, लेकिन हाँ कोशिश जरूर है। लेकिन ये मैं मान गई हूँ, मतलब पहले भी मानती थी अभी भी और ज्यादा मेरी मान्यता मतलब मेरा मान्यता नहीं बोलना चाहिए, मैंने मान्यता या समझ आई है मुझे कि भाव को देखने से ही हम आराम में रह सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि किसी ने कुछ गलत किया मुझे गुस्सा आता है, तो ये भाव को देखने के बाद ही मुझे समझ में आ रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ, मैंने गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो ये मुझे ये मैं अभी समझ में भी आ गया, मानती तो थी लेकिन अभी समझ में आया है कि मुझ में कौन से भाव चल रहे हैं, इसका निर्णय भी मैं स्वयं ही लेती हूँ। तो ऑब्वियसली मैं सुख में हूँ या दुख में हूँ इसका निर्णय भी मेरा ही होता है। तो मैं अब कोशिश कर रही हूँ, करूंगी, अभी तो 5-10% ही ये हुआ है कि अपने सुख दुख के लिए मैं खुद को मतलब जिम्मेदार तो समझती हूँ लेकिन ये सुख में रख नहीं पा रही हूँ हर बार। तो अब मेरा क्या बोलते हैं आगे का काम जो है वो खुद खुद के भावों को पहचानना और फिर खुद को और अपने साथ के लोगों को भी सुख में रखना, इसी पे मैं काम करना चाहूंगी। निर्णय लेने का जो आधार होता है अब तक 90% टाइम्स मान्यताओं पे ही निर्णय लिया जा रहा है, लेकिन अब ये समझ में तो आ गया है मॉर्निंग सेशंस की वजह से कि निर्णय का आधार समझ होना चाहिए, जिसकी वजह से हम नेचुरली निर्णय लेके सही निर्णय लेके खुद और अपने साथ वाले लोगों को भी खुश रख सकते हैं। संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव मुझे सहस्वीकार्य है ही। ओके, मैं संबंध को मानती हूँ अब तक, लेकिन मेरा मेरा संबंध का मानना जो है वो अपनी फैमिली वेरी क्लोज फैमिली के लोगों के साथ और थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड फैमिली जैसे रिलेटिव्स है या मेरे कलीग्स है उनके साथ संबंध के भाव को मानती थी, लेकिन इन सेशंस की वजह से ये क्लैरिटी मुझे आई है कि जैसे अभी भी दीदी ने भी कहा वसुदेव कुटुंबकम का भाव थोड़ा थोड़ा जागृत हो रहा है। दूसरों के लिए मुझे क्या बोलते हैं भाव तो रहते थे, कंपैशन रहती है, लेकिन उनके दुख से मतलब दुखी तो होती हूँ लेकिन क्या बोलना चाहिए उनके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ,
क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है, या हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए मैं उन चीजों से खुद को अलग रखती थी, मतलब सुनती थी, बुरा लगता था, और फिर उसको बाद में अपने रूटीन में मैं उसको अलग रख देती थी। तो मतलब अब हम, मुझे ऐसा लग रहा है दीदी का भी सुनने के बाद कि यस, हम लोग कुछ नहीं कुछ तो कम से कम हर एक के लिए सिंसियरली कुछ करने की कोशिश या प्रे तो कर सकते। वैसे प्रार्थना तो जब मैं कुछ भी बुरा सुनती हूँ तो मेरे दिल से निकल आता है पहली बार कि भगवान इनको अच्छे से रखो। एक चीज मैंने खुद के बारे में, मैं हमेशा मैंने ये डाली है खुद के बिहेवियर में कि जब भी मैं किसी के यहाँ जाती हूँ, जैसे किसी के यहाँ कोई पूजा में जाती हूँ या कोई कार्य में जाती हूँ, तो जब वहाँ जैसे पूजा है, मैं नमस्कार करती हूँ वहाँ की पूजा को, तो मैं हर हर बार यही सोचती हूँ कि भगवान इन लोगों ने जिस चीज के लिए ये पूजा रखी है उनको वो प्राप्त हो, उनको सुखी रखो। ये मैं हमेशा बोलती हूँ। ये मेरे ख्याल से पिछले 3-4 साल से ये भाव मुझ में आया और मैं उसको हमेशा आ, आ, क्या बोलते हैं फॉलो करती हूँ, और हर बार ये मैं जरूर करती हूँ कि जिनके लिए, जिन्होंने जिस चीज को किया है उनको वो मिले, ओके, उनका वो जो भी इच्छा है वो पूर्ण हो, ये मैं हमेशा करती हूँ। तो और अभ्यास दो में जैसा मैंने देखा है कि शरीर और मैं, ये दोनों अलग अलग वास्तविकता है, ये सुना था। अभी भी मैं पूरी तरह से इन दोनों चीजों को पूरी तरह से अलग नहीं करके देख पा रही हूँ, लेकिन हाँ, ये मैं बिल्कुल जब भी मैं वेरीफाई करती हूँ, जब भी मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं ये देख रही हूँ कि मैं और शरीर के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाओं का एक्सचेंज होता ही रहता है, और किस संकेत, किस संवेदना को शरीर के पढ़ना है इसका निर्णय भी मैं लेती हूँ। तो जैसे शरीर और मैं के बीच की दूरी को मैं पूरी तरह से एनालाइज नहीं कर, मतलब समझ नहीं पा रही हूँ, जब जबकि मैं मानती हूँ कि ये सही है, लेकिन मैं इसको पूरी तरह से अभी तक समझी नहीं हूँ। बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव, हाँ, जब शरीर तक पहुंचता है तो मैं उसको अभी तक पूरी तरह से निर्णय पूर्वक नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन ये शिफ्ट मुझ में आ रहा है कि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं इन चीजों को निर्णय पूर्वक पढ़ू और उसे अर्थ दू। इसके लिए मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी। जैसे मैं अभी भी ट्रैवल कर रही थी और ट्रैवल करते समय बाय एयर आ रही थी, तो जो हम लोग पहुंचने के बाद मुंबई एयरपोर्ट पे मेरा सामान नहीं पहुंचा था, मेरा ही नहीं, काफी सारे लोगों का सामान नहीं पहुंचा था। तो मैंने देखा कि मतलब ये परिस्थिति है कि शरीर के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ओवरऑल किस तरह से मैं संवेदनाओं को या मतलब बाहर की परिस्थितियों को एनालाइज कर पा रही हूँ, ये उसका उदाहरण है। तो शायद एक अभ्यास एक में मैंने इसको देना चाहिए था। एनीवे, तो मैं ये जब पता चला कि बैगेज नहीं आया है तो काफी सारे लोग पैनिक हो गए। मैं भी थोड़ा सा ढूंढ रही थी, लेकिन मैं पैनिक नहीं हुई, फॉर टू माय सरप्राइज, ओके। तो मैं काफी देर तक ढूंढती रही, फिर मुझे पता चला कि कहीं जाके कंप्लेन करना है। वहां इतनी भीड़ थी, इतना केओस चल रहा था कि लोग बिल्कुल, जो भी वहां के वॉलेंटियर्स थे उनको सुधरने नहीं दे रहे। लेकिन मैंने सरप्राइजिंगली, मैं पैनिक नहीं हुई, मैं वहां जाके मतलब भीड़ में मैंने भी भीड़ नहीं बढ़ाई, मैं शांति से पीछे खड़ी थी। जब तक भीड़ कम नहीं हुई, मैं 4 घंटा एयरपोर्ट पे रुकी रही सिर्फ कंप्लेन करने के लिए, क्योंकि मैंने सोचा कि नहीं, मेरे से बड़े लोग, सीनियर सिटीजन्स थे, वो बहुत पैनिक हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि उनको मैं पहले अपना कंप्लेंट लिखने देती हूँ। फिर कुछ लोगों को कनेक्टेड फ्लाइट्स लेनी थी, तो फिर उनको भी अपना कंप्लेंट दर्ज कराने देती हूँ, और मुझे कहीं नहीं जाना था, मुझे बाहर आके घर ही आना था, तो इसलिए फिर मैंने वेट करना प्रेफर किया। मैं 4 घंटा वेट करके फिर मैंने, जब जैसे भीड़ कम हुई और मेरा नंबर आया, तो मैंने कंप्लेंट किया और फिर मैं बाहर निकली। तो मैं अगर पहले की मैं होती तो शायद मैं थोड़ा पैनिक कर जाती ज्यादा और भागा दौड़ी करती थी, लेकिन अब मैंने इतना शांति से लिया कि मेरे हस्बैंड भी बोले कि
मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने इतने शांति से खुद को संभालते हुए, मैं अकेली थी क्योंकि, खुद को संभालते हुए तुमने इस सिचुएशन को हैंडल किया। तो बाद में जब मैं सोच रही थी, तब तो मुझे ध्यान में आया कि हाँ, ये इन मॉर्निंग सेशंस का मेरे ऊपर शायद ये असर है कि मैंने खुद को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया और सिचुएशन को भी हैंडल किया प्रॉपरली। मैंने निर्णय भी लिए और फिर पैनिक ना होते हुए मैंने सारी चीजें हैंडल की। मेरा बैगेज तो बाद में पहुंच गया जो पहुंचने ही वाला था। इवन उन लोगों से बात करते समय मैं उनको उनकी क्या बोलते हैं, जितना परेशान वो लोग हो रहे थे वहां के ऑफिसर्स, उसको भी समझते हुए मैंने उनको भी बोला कि देखिए, मुझे बिल्कुल गड़बड़ नहीं है बैगेज की, लेकिन सिर्फ आप इतना देखिए कि इन्फॉर्म कीजिए कि कब तक आएगा या किस तरह से आएगा बस, और कहा मैंने उसको पिक करना है। तो इतने शांति से मैंने उस सिचुएशन को हैंडल किया। तो ये जो फर्क मुझ में आया है, तो ये सिर्फ इन मॉर्निंग सेशंस की वजह से ही आया है। ये मैं पूरी तरह से अभी समझ रही हूँ। बाहर की परिस्थिति का शरीर पे प्रभाव और मेरा निर्वाह जहाँ है, तो संवेदना को निर्णय पूर्वक पढ़ नहीं रही हूँ मैं। पहले तो जैसे ही संवेदना मिलती है अपने शरीर के बारे में मिलती है, तो मैं पैनिक कर जाती हूँ और फिर थोड़ा शांति से देखती हूँ। हाँ, लेकिन ये भी है कि मैं अपने शरीर के बारे में, जैसे थोड़ा बहुत कुछ भी दुखा या थोड़ा बुखार आया, तो मैं मतलब नॉर्मल लेडीज की तरह मैं ज्यादा परवाह नहीं करती थी। ओके, जब बढ़ेगा तब देखा जाएगा, ये ऐसे ही होता था मेरा। लेकिन अब मैं अपनी संवेदनाओं को पढ़ती हूँ और उनको प्रॉपरली एनालाइज करने की कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि मेरा भाव ना बिगड़े, जो कि अभी हो नहीं पा रहा है पूरी तरह से। लेकिन हाँ, 10-15% का शिफ्ट जरूर आया है मेरे विचारों में और मेरे सुखी दुखी होने की प्रोसेस में। मतलब ये बाकी जो चीजें है अभ्यास दो में, जैसे संवेदना को पढ़ना, इसके आकलन पर पूरी पूर्वकता से निर्वाह करना वगैरह, ये मैं मुझे मतलब ये मैं मानती थी, अभी समझ में आना बाकी है। ये भी मैं मानती हूँ और ये थोड़ा बहुत समझ में भी आया है कि मेरा होना ये शून्य के सहअस्तित्व में बना बना हुआ है। ओके, तो लेकिन इसको अपने व्यवहार में डालना अभी तक मैं पूरी तरह से कर नहीं पा रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरी कोशिश जरूर मैं कर रही हूँ कि मैं इन चीजों को अपने स्वभाव में डालूं, ताकि ये मेरा नेचर बन जाए। ओके, मुझे इसके लिए अलग से क्या बोलते हैं, प्रयास ना करना पड़े। लेकिन इसको होने को बहुत टाइम लगेगा। मैंने हर बार UHV कोर्सेज में भी बोला है कि अगर हम ये सही में सचमुच इस तरह से कर पाए जो हमें बताया जा रहा है, जो प्रपोजल हमें दिए जा रहे हैं, हम अगर इनको अपनी लाइफ में ला सके, तो इससे अच्छी कोई चीज नहीं हो सकती है। हर इंसान सुखी ही होगा, ये मैं बिल्कुल मानती हूँ। जहाँ पॉइंट नंबर 5 पे आती हूँ, तो मैं खुद के लिए टाइम देने की कोशिश जरूर करूंगी। अब तक तो मैं बहुत कम टाइम दे रही हूँ खुद को समझने के लिए या स्वयं को समझने के लिए। लेकिन इसे अब से मैं मतलब इस इन मॉर्निंग सेशन से मैं इसके बाद भी जुड़ी रहने वाली हूँ। मैं इनको छोड़ने वाली नहीं हूँ और खुद के लिए, खुद की समझ के लिए अब मैं थोड़ा ज्यादा समय दूंगी और अपने जिम्मेदारियों के बारे में तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बेटियां और मेरे पति पहले इन चीजों को, मेरे पति एक्चुअली UHV को बहुत मतलब उन्होंने किया नहीं है वर्कशॉप, लेकिन वो इन चीजों को, इन प्रपोजल्स को पहले से मानते हैं। वो अपने आचरण में कई सारी चीजें उनके आचरण में लाई है, मतलब वो उनका स्वभाव ही है वो। तो वो मुझे कई बार समझाते हैं जब भी मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ कि तुमने कैसे इन चीजों को लेना चाहिए। लेकिन कुछ उनका भी, वो भी बहुत गुस्सेले है, तो मेरा पहला एफर्ट मेरे परिवार को इसमें लाने का रहेगा और इसके लिए मैं अब कोशिश मेरी शुरू है। मेरी बेटियों को भी मैं हमेशा इन प्रपोजल्स को देती हूँ और बोलती हूँ कि इस पे सोचो और उसके हिसाब से अगर तुमको ठीक लगे तो वैसा करो। तो अब ज्यादा समय मैं लगाऊंगी। जहां तक
सोसाइटल रोल की बात है तो मैं बहुत कम हूँ। मैं अपने बच्चों को मतलब स्टूडेंट्स को मैं बहुत सारी बार काउंसिल करती हूँ, या वो उनको मैं ये विश्वास देना चाहती हूँ कि उनको कोई भी प्रॉब्लम आए तो मेरे पास आ सकते हैं, और आते भी है बच्चे। इससे पहले कि मैं खत्म करूँ, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जब भी सेंड ऑफ होता है फाइनल ईयर के बच्चों का, तो हर सेंड ऑफ में कम से कम एक या दो बच्चे ये बोलते ही है कि मैम, जब मतलब जनरल बोलते हैं कि जब हम डिपार्टमेंट में आए और पहली बार मेघा मैम से मिले तो हमको ऐसा लगा कि हाँ, डिपार्टमेंट में कोई है जिनके पास हम जा सकते हैं। हमको ऐसा लगा कि हम हॉस्टल में रह रहे लेकिन हमारी माँ है डिपार्टमेंट। तो आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चों को ये विश्वास आता है कि जिस तरह से वो उनके माँ के साथ बात कर सकते हैं, वो मेरे साथ भी आके बात कर सकते हैं। सो मेरा उतना ही है फिलहाल सोसाइटल रोल, लेकिन मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं यूएचवी में भी जुड़ी रहूं और यूएचवी के एक्टिविटीज में भी मैं वॉलंटियर करूं। सिर्फ समय के बारे में मुझे थोड़ा सा डर है कि मैं अगर प्रॉपर समय नहीं दे पाई तो मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगी। इतना बोल के मैं सारे ही मेंटर्स को जो हमको ये प्रपोजल्स दे रहे हैं उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी कि वो हेल्प कर रहे हैं मुझे अपने जीवन में शिफ्ट लाने का। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी धन्यवाद दीदी। तो मैं कुमार भैया को आमंत्रित करता हूँ कि वो मेघा दीदी के शेयरिंग के बारे में अपनी बात रखें। जी नमस्ते सभी को। मेघा दीदी की शेयरिंग भी अच्छी रही। दीदी का भी नया जुड़ाव है, पहली बार मॉर्निंग सेशन अटेंड किया है, बट उन्होंने एक तरह से स्वीकार लिया है इस चीज को, मुझे समझना है और इसको मुझे जीना है। और उन्होंने भी जो बहुत सारे रिफ्लेक्शन शेयर किए अपने जीने से जुड़े को लेकर, परिवार को लेकर या एयरपोर्ट पर जो घटना हुई उसको लेकर, तो उसे दिख रहा है कि काफी मन लगा रही है दीदी, ध्यान दे रही है और अभ्यास एक और दो के साथ उसके को स्वयं ऑब्जर्व करने का काम कर रही है। कम से कम इतना तो है कि अभी हम उसको एक प्रायोरिटी दे पा रहे हैं। धीरे धीरे और भाव सजगता बनेगी, संवेदनाओं के दिए गए अर्थ के प्रति सजगता बनेगी, तो और उससे स्वयं में भी गति बनेगी, परस्परता भी बनेगी, परिवार में अनुकूलता है जो आपने बताया, उससे अच्छी संभावना आपके साथ। आप भी किसी रीजन के या किसी इस तरह के मीटिंग में दीदी रेगुलरली आना शुरू करें, है ना। और हाँ कुछ टीम्स भैया, भी बने हुए हैं, उन टीम्स में अगर आप जुड़ पाती हैं तो उसमें रेगुलर एक आपको मेंटरिंग का भी अवसर मिलेगा और फिर आगे भागीदारी का अवसर तो खुले ही है। उम्मीद है आप दोनों लोगों को शुभकामना, बधाई।